क्या आप योग को हिंदू धर्म या हिंदू विचारधारा का एक हिस्सा नहीं समझते क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि योग मुस्लिम धर्म के या ईसाई धर्म के खिलाफ है एकेश्वरवादी धर्मों में आप सिर्फ एक भगवान को ही पूजते हैं और योग उसका उल्टा है देखिए योग में किसी भी तरह की पूजा नहीं होती वैसे भी मैं आपको बता दूं ऐतिहासिक रूप से योग सभी धर्मों के आने के पहले से मौजूद है ये पंद्रह हजार साल से अधिक पुराना है जब आदि योगी ने पहले योग सूत्र दिए थे हजार साल पहले इंसानों के लिए धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं थी उस समय उन्होंने समझाया कि इस इंसानी तंत्र को कैसे हम उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं ताकि एक ऐसा अनुभव पैदा हो देखिए खुश रहना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है अगर आप अपने खुद के स्वभाव से ही खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दुखी होने का डर चला गया है जब दुखी होने का कोई डर नहीं हो सिर्फ तभी आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे नहीं तो आप हमेशा आधा कदम ही बढ़ाएंगे आप जिन्हें धर्म कह रहे हैं वो ज्यादातर दुखी होने के डर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो योग उस बारे में नहीं है यह आपको दुखी होने के डर से आजाद करता है यह आपको किसी भी सत्ता के बंधन से मुक्त करता है चाहे वो गुरु हो कोई संगठन हो या भगवान हो यह आपको उन सब से मुक्त करता है तो इस मायने में आप कह रहे हैं कि योग हिंदू धर्म या हिंदू फिलोसफी से भी पुराना है ये पंद्रह हजार साल से अधिक पुराना है सबसे पहले इसलिए इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता नहीं सबसे पहले हमें यह समझना होगा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिंदू फिलोसफी क्या है हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कृपया मुझे बताइए कि क्या है हिंदू फिलोसफी यहाँ हजारों तरह की चीजें हो रही हैं क्योंकि हिंदू एक भौगोलिक पहचान है हिमालय और इंदु सागर हिंद महासागर को पहले इसी नाम से जाना जाता था इनके बीच की जो भूमि है वो भूमि हिंदू है तो जो भी इस भूमि पर पैदा हुआ वो हिंदू है इस धरती पर पैदा हुआ केंचुआ भी एक हिंदू केंचुआ है जब आप कहते हैं कि अफ्रीका में पैदा हुआ हाथी अफ्रीकी हाथी है तो ये हिंदू केंचुआ क्यों नहीं है क्योंकि अब आप राजनीतिक झमेलों में उलझ गए हैं और उस वजह से कहते हैं कि हिंदू का मतलब ये है वो है नहीं ये एक भौगोलिक पहचान है क्योंकि हम लोगों को एहसास हो गया था इन भौगोलिक पहलुओं के बिना हम फल फूल नहीं सकते थे हिमालय और हिंद महासागर के बिना हाँ इन दोनों चीजों ने हमारी रक्षा की हम पाँच छह हजार सालों से चैन की जिंदगी सिर्फ इन दोनों की वजह से ही जी रहे थे तो हम इन दोनों को आदर की दृष्टि से देखने लगे मैं आपके ही तर्क को आगे बढ़ाता हूँ अगर कोई इंसान पाकिस्तान में पैदा हुआ है या नेपाल या बांग्लादेश या भूटान या श्रीलंका में या उत्तर प्रदेश में जन्मा कोई मुसलमान या केरल में पैदा हुआ कोई ईसाई वो सभी हिंदू है भौगोलिक दृष्टि से ठीक है पर जरूरी नहीं है कि देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हिंदू धर्म या हिंदू फिलोसफी क्या है क्या आप जानते हैं नहीं तो वो जानता है कि हिंदू फिलोसफी क्या है ऐसी कोई चीज ही नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी भूमि है जिसने हर तरह की फिलोसफी को जन्म दिया है हर तरह की Never of We never in... क्योंकि यह हमेशा से खोज करने वालों की भूमि रही है विश्वास करने वालों की नहीं इस देश में परम लक्ष्य हमेशा मुक्ति या आजादी रहा है भगवान कभी नहीं कभी कोई विश्वास प्रणाली नहीं रही हमेशा सवाल उठाना हर चीज पर विवाद करना खोज करना ही यहां पर जीवन का तरीका रहा है तो हिंदू धर्म जैसी किसी चीज का सवाल ही कहां उठता है सिर्फ मुकाबले में राजनीतिक होड़ में आप ख़ुद को ये या वो कह रहे हैं